हेलो गाइस, कैसा आप सब। वेलकम टू द पार्ट्स वर्ल्ड। इस टाइम पे टाइम हो रहा है, दिन के 2 बज रहे हैं और अभी मौसम में दिखाऊं तो कुछ ऐसा सा हो रहा है मेरे पीछे। ये कुछ मौसम है इस टाइम यहाँ पे और ठंडा मौसम हो रहा है। मैं इस टाइम पर फुल स्लीव में घूम रहा हूँ इस तरह से। तो अभी बारिश हो रही है और तो अभी मैं अपना रेनकोट पहन के कुछ इस तरह से रेडी हो चुका हूँ और बाहर बारिश का हाल कुछ बेकार ही है। इतनी बारिश है अगर कैमरा में पता लग रहा है तो, लेकिन बस मेरा मन था बाहर जाने का इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। तो बाइक मैंने निकाल लिया और बारिश के चलते मैंने GoPro का माइक हटा रखा है तो आवाज़ का फिर से थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है, आगे बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो रखा है। लग रहा है ये पहाड़ जो है बादल के अंदर ही छुप गए हैं। और इस मौसम में बाहर भी अच्छा लग रहा है लेकिन ठंड भी बहुत है। तो बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है और मैं अभी कैमरा मैंने हटा दिया, कैमरा मैं अंदर रखने लगा हूँ, आगे चल के कहीं पर रिकॉर्ड करता हूँ। 2 hours later। तो यहाँ पे अभी अचानक से बारिश स्टार्ट हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ आगे वन विहार में। वन विहार की एंट्री है एंड इसके 50 rupees चार्ज है। तो मैं वन विहार आया, मैं इनसे टिकट ले रहा था तो इन्होंने मुझे बताया कि मौसम के चलते वन विहार जो है और 10 मिनट तक बंद होने वाला है, तो इन्होंने अभी टिकट दी नहीं। ओके, वो नाइस बाहर मुझे कुछ ऐसा दिखा, नकली चीता, नो सॉरी लेपर्ड। वैसे इसकी एंट्री ऐसी है। तो जैसे कि अभी वन विहार नहीं जा पाया तो यहाँ पे बेकरी से मैंने एक ही चीज़ केक लिया जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, मैंने कल खाया था यहाँ पर, मेरे को काफ़ी टेस्टी लगा था। तो ये तो मैं होटल चल के दिखाऊंगा और अभी बाइक लेते हैं, पहले इसको मैं होटल रखूँगा फिर चलते हैं हिडिम्बा टेम्पल। तो गाइज मैं रूम में आ चुका हूँ और मैंने हिडिम्बा टेम्पल जाना था बट अब मैं नहीं जाने वाला क्योंकि बाहर बारिश काफ़ी आ रही है और बारिश की वजह से प्रॉब्लम होगी क्योंकि वहाँ पे ट्रैक है, चढ़ना पड़ता ऊपर, तो मैं नहीं जा रहा। और अभी मैं वेदर फॉरकास्ट देख रहा था अपने उस पर गूगल पे, तो उसमें ये बता रखा कि अब 10-15 मतलब हफ्ते 10 दिन तक अब बारिश ही आनी है। तो अब हो सकता है कि कल मैं घर को निकल जाऊँ दिल्ली। तो अभी पहले कुछ डिनर करके आते हैं बाहर चल के, फिर देखते हैं। तो अभी चल के कुछ खाते हैं, वही मेरे होटल के सामने जो वहाँ पे एक कैफ़े था रिवर के साइड में जिधर मैं बैठ के ब्रेकफास्ट करता था किया था उस दिन, वहीं पर चलते हैं अभी। तो वैसे मेरा मॉल रोड पर जाके मेरा सिड्डू गाने का मन था लेकिन अभी बारिश के चक्कर में मैं नहीं जा रहा, बारिश जस्ट अभी रुकी है, अगर ये पहले रुक गई होती तो मैं वहीं से हिडिम्बा टेम्पल भी जाता और कल मैं दिल्ली चल जाऊँगा बस यही बारिश के चक्कर में क्योंकि अब हफ्ते तक बारिश रहनी है। तो अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या खाऊँ, तो मैंने चिकन मुगलाई ऑर्डर किया है रोटी के साथ। तो अभी मेरा आ चुका है ये कुछ चिकन मुगलाई है इसके साथ, तो इसमें चिकन का है ये रहा इसके साथ, मैंने अभी खा के फिर होटल में चल के मिलता हूँ। तो अब मैं खाना खा के वापस अपने होटल में आ चुका हूँ और यार इनका ये जो रिवर साइड में मैं जिधर बैठता हूँ कैफ़े में, इनका खाना काफ़ी टेस्टी है और मैंने ये इनका कार्ड ले लिया है, ये कार्ड है इनका, ये इनका मतलब मैंने पहली बार इन पर ब्रेकफास्ट किया था वो भी जब मैंने चलते हुए ऐसे ही रोड साइड पे देख लिया था तो मेरे को अच्छा लगा था, इनका डाइनिंग अच्छा लगा था तो मैं बैठ गया था, लेकिन इनका खाना भी काफ़ी टेस्टी है। तो अब मैं ये सारा सामान मेरा ऐसे ही फैला पड़ा है, ये हो गया, ये बैग्स पड़े हैं मेरे तो और हेलमेट मेरा ये पड़ा, ये सब ऐसे ही फैला पड़ा है। मैं ये सब मेरे को पैकिंग करनी है लेकिन उससे पहले ये लैपटॉप साइड करके
ये जो मैं लेके आया था चीज केक, ये एक लेके आया था मैं मॉल्डो बेकरी से, और ये काफ़ी टेस्टी है यार। मतलब मैंने चीज केक यहीं पे आके खाया पहली बार, तो इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। उससे पहले इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और कल मैं दिल्ली के लिए निकल जाऊँगा। तो मिलते हैं अगले एक बढ़िया सुबह, तब तक के लिए बाय बाय।